मैं हिसाब लगा रही थी तो मैंने देखा जब ये कार्यकाल अब पूरा होना मैंने 1 साल के अंदर हो जाएगा, परंतु जो ये छोड़ रहे हैं राजस्थान 4-5 साल के अंदर, उस राजस्थान के अंदर हर व्यक्ति के ऊपर करीबन 87,000 का कर्ज ये छोड़ के जाएंगे। हिस्ट्री राजस्थान की हिस्ट्री में ये आज तक सबसे ज़्यादा कर्ज है। और इसके साथ साथ विकास की जो बात अपन करते हैं, इधर उधर सब दूर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें पूरी तरह से अकाल है। हमें तो रोड्स के अंदर जब हम पूछते हैं लोगों से या बिजली के अंदर जब हम बात करते हैं लोगों से, तो बार बार लोगों की बात सुनने में जब आती है तो कोई भी सरकार, अगर हम लोग ये सुन रहे हैं, तो कोई भी सरकार थोड़ा सा सेंसिटिव होती, संवेदनशील होती तो फील्ड में जाएगी तो सबसे पहले यही बातें उनको। और ये मैंने कोई बहुत बड़े सोच की बात नहीं है, ये हर एक सरकार का काम है कि बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी, वो बेसिक प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करें। तो जब हमारी सरकार भी आई थी तो सबसे पहले तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि भैया आज दिन इतने साल हो गए हैं, हमको फिर भी रोड्स की डिमांड है, फिर भी बिजली ठीक तरीके से हो। और उस समय आपको याद होगा हम लोगों ने उदय को भी अपने हाथ में लिया था, तो फुल 60,000 करोड़ का को वहन करना, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने सरकार के 5वें साल तक ऐसी स्थिति बना दी थी कि वी वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द रेड। सो जो मूलभूत सुविधाओं के लिए आदमी तरसता रहता है, और बड़ी शर्म की बात होती है कि उसके अंदर ध्यान न देते हुए हमारी खुद की कुर्सी के पीछे अपन लड़ झगड़ा करें, ये मैंने देखने को आया है। ये सरकार को कोई याद करेगा तो इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में ला के रखेगा। मुझे ये भी याद है कि जब हम लोगों ने सरकार डिमिट किया था, जब छोड़ी थी, तो उस समय बहुत सारे फील्ड में जहाँ राजस्थान पिछड़ा पिछड़ा हुआ था, पिछड़ गया था और बीमारू प्रदेश कहलाया जाता था, तो ऐसे कई एरियाज के अंदर स्ट्रेंथन करने का काम हम लोगों ने किया। और मुझे खुशी है उस बात की कि बीमारू किससे अंदर के अंदर से तो अपन बाहर निकल के आए ही आए, परंतु उसके साथ साथ पिछले राज्यों की लाइनअप में थे नहीं जो आज ये लाइनअप में है। और कभी कभी ध्यान में आता है कि हम लोगों ने जब जो स्टेप किसी सरकार ने ले लिए हैं, अगर वो अच्छे स्टेप्स हैं और सरकार को आगे ले जाने का काम उनसे हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको शटडाउन करने के बजाय, उनको ख़त्म करने के बजाय, उनके नाम बदलने के बजाय, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपन उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं ताकि, और नए स्कीम्स को और लाएं, उसमें तो अपन बढ़ते जाएंगे और नई स्कीम उसके साथ जुड़ जाएगी तो स्टेट और भी स्ट्रेंथन होता जाएगा। तो अगर अपन इसको बैठ के देखते हैं तो अपन गवर्नेंस के अंदर तो हमें कुछ दिखता नहीं है, परंतु हाँ एक एरिया ऐसा है जिस एरिया के अंदर इन लोगों ने तरक्की की है, एंड दैट तो ये जो महिला है, दलित उत्पीड़न है और गैंग वॉर्स, गैंग रेप्स, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, पेट्रोल डीजल के भाव, बिजली के भाव, इन सब चीज़ों के अंदर वो देव डन वेरी वेल। आप जब आंकोगे तो देव डन वेरी वेल, मैंने अच्छे हाई प्राइसेस हो गए हैं और इन चीज़ों के लिए आज राजस्थान की पहचान बन गई है पूरे देश के अंदर, अनफॉर्चुनेटली। एक तरफ मैं देखती हूँ कि 4 साल के तो जश्न मनाए जा रहे हैं, और थोड़ा सा अगर सेंसिटिव होते ये लोग तो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी जोधपुर के अंदर कितना जख्म हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं कलेक्टर साहब से उस दिन बात कर रही थी और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे को मालूम पड़ा कि ऑलरेडी 23 आदमियों की डेथ हो गई है, और उनका कहना है कि अभी भी ICU में बहुत ही सीरियसली बीमार पेशेंट्स हैं, और हो सकता है, भगवान न करे, पर हो सकता है कि इतने एक्सट्रीम बर्न्स हैं कि हमको और भी प्रॉब्लम हो सके।
हाँ यस, मोदी जी को कोसने का काम इन लोगों ने किया है। और आप अपन हमेशा यही काम करते हैं, जब अपन किसी चीज़ के पीछे छिपना चाहते हैं, खुद की जो नाकामियां हैं उसको अगर छिपाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो देन यू हैव टू से कि भाई तो मोदी जी की सरकार ने किया, ताकि जो हमने किया नहीं किया वो किसी की आंखों में ना आए। देन हम लोगों ने अपने टाइम के अंदर ये कोशिश की थी कि 36 के 36 को हम जितना हो सके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण राजस्थान के अंदर बने, ताकि उस सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम प्रोग्रेस कर सकें। बिकॉज जहाँ जब कम्युनिटीज़ एक दूसरे से लड़ रही हैं, जहाँ प्रदेश परेशान हो रहा है, वो आगे कैसे बढ़ ही नहीं सकता। सो अनटिल दैट एटमोसफियर बनता है, वो एटमोसफियर बनने के बाद उसको आगे ले जाने का काम हम लोग कर सकते हैं। परंतु आज रोज़गार जो अपने टाइम में हम लोगों ने सक्सेसफुली मैनेज किया था, आर्थिक प्रबंधन उसको भी हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली मैनेज किया था, कास्ट्स को कोशिश किया था हम लोगों ने कि साथ में चलें, सब एक दूसरे को राजनीतिक रूप से एक दूसरे के सामने खड़ा ना हो ऐसा हम लोगों ने कोशिश की थी। देन महिला अत्याचार एंड देन भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की तो मैंने एक चरम सीमा पे आ गई है सरकार। जहाँ जाओ जनता से बात करो तो सबसे पहले वो, और कुछ नहीं तो ये सबसे पहले बोलेगा। देन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि जो लोग स्पेशली गर्ल्स, यंग गर्ल्स कॉलेज से निकल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो रोड पे जाने के से डरती हैं। और उनके साथ साथ जो ऑर्डनरी सिविलियन है वो भी डरता है कि मालूम नहीं कब हमारे साथ कोई हादसा हो जाए। धर्म परिवर्तन, दिस इज़ अ न्यू थिंग। धर्म परिवर्तन बिना रोक के, बिना टोक के चला चल रहा है। और देवी देवताओं का भी बहुत सारा अपमान भी हुआ है, ये आप लोगों ने भी उसके बारे में लिखा है। परंतु इसको अगर समराइज करो तो दिस इज़ अ वेरी टेरेबल थिंग, होना भी नहीं चाहिए। देन कृषि कनेक्शन में, अभी मैं कोटा डिवीज़न की तरफ गई थी तो मैंने देखा, और लोगों ने आके बताया भी कि कृषि कनेक्शन की डिमांड राशि हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है, परंतु उसके बावजूद भी 6-6 महीने निकल जाते हैं, हम लोगों को कनेक्शन नहीं मिलता। अब एक समय में तो हम समझ सकते थे इस बात को, पर हम लोगों ने उसको ओवरकम किया था, और आज ये स्थिति आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम कंफर्टेबल थे। आपको याद होगा हम लोग कंफर्टेबल थे कि 3 हॉर्स पावर, 5-7 हॉर्स पावर तक हम लोगों ने ये कह भी दिया था कि 10,000 रुपीज़ तक एट द रेट ऑफ 880 या समथिंग पर मंथ, हम लोग 10,000-11,000 तक माफ़ भी कर सकते हैं फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, वो कर भी सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि अपन ये कहें कि नहीं हम आपको माफ़ कुछ कर रहे हैं, और एक तरफ से वो कहें और दूसरी तरफ से ये मार लगाएं, तो फिर इन दी एंड उसका कोई फायदा या उसका कोई गुड अच्छा असर जनता के ऊपर नहीं पड़ता। तो एक आपकी पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, दूसरा खाद की इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, हम लोगों ने बार 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 बार, ये पिछले आई थिंक 2 महीने की बात है, पिछले 2 महीने के अंदर लगातार फोन्स आ रहे हैं कि भाई खाद नहीं आ रहा, ट्रेन्स नहीं आ रहे हैं, रेक्स नहीं पहुंच रहे हैं, बार 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 ये बातें, और हम लोगों को बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े। ये तो पुराना, अगर वहाँ से हमारे, हम लोगों ने जब बात की तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम है नहीं, आ रही हैं रेक्स, आ रही हैं, उनको डाइवर्जन करना, उसको सही तरीके से सही जगह पे पहुँचाना, ये सरकार का काम है। और मुझे याद है कि हम लोग अपने टाइम में इसको पहले ही स्टॉक पाइल कर लेते थे, ताकि बाद में फिर ये आपको प्रॉब्लम ना पड़े। जब समय आता है उस टाइम पे भागा दौड़ी करने से बजाय इट इज़ बेटर कि पहले ही अपन अपना इंतज़ाम कर लें, फिर बाद में इससे आराम से जूझ सकते हैं। देन लोकतंत्र के जो सेनानी थे, मीसाबंदी और जिनको लोकतंत्र सेनानी, उनके पेंशन हो, या जल स्वावलंबन हो, या ये जो टोल के ऊपर अपन लोगों ने जो डोमेस्टिक व्हीकल्स वगैरह थे उनके ऊपर टोल मैंने माफ़ कर दिया था, और अन्नपूर्णा भंडार का जो अपन ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स गांव के अंदर चालू किए थे विथ
क्या बोलते हैं, सहकारिता विभाग के साथ अपन ने किया था, एंड देन न्याय आपके द्वार और ग्रामीण और शहरी गौरव पथ, ये तो कितने सक्सेसफुल थे। मुझे लगता है कि ज़्यादातर अपन ने ऐसा सब पंचायतों को कवर कर ही लिया था। और सबसे मैंने क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग स्कीम या जिस स्कीम के लिए सब लोग हमारे पास आया करते थे, वो ये स्कीम थी। देन भामाशाह नारी सशक्तिकरण, वो भी एक बहुत अच्छी स्कीम थी। और इन योजनाओं की वजह से अगर आप देखें तो भारत में और कई दूसरे स्टेट्स में भी लोग राजस्थान को रिकग्नाइज करते थे कि हाँ, इन लोगों ने ये काम किया है। आज ये सब योजना जिनका नाम मैंने अभी आपको लिया में बंद हो गई हैं। देन कुछ ऐसे नाम थे जो इनको बदलने का काम उनने कर दिया, और कुछ ऐसे काम थे जैसे स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत, इनका नाम बदलने का, अन्नपूर्णा रसोई की योजना जो थी उसका नाम बदलने का, देन ERCP इतनी अच्छी स्कीम थी, उस ERCP को विवाद के अंदर डाल देना, बैठ के इन सब चीज़ों को सुलझाने की बात के बजाय इनको सबको अच्छी तरह से फंसा दिया है ताकि बाद में आगे अब इसको बढ़ा ना सके। देन संविदा की भर्ती के नाम पर बेरोजगारों के भविष्य को ताक पे लगा दिया, और शिक्षक भर्ती के लिए मुझे याद है कि कितने मुश्किल से हम लोगों ने कोशिश की थी कि दो के बजाय अपन एक परीक्षा कर लें ताकि उन लोगों को भी आसान हो जाएगा, उन लोगों को बार बार परीक्षा के सेंटर्स में और ये परीक्षाएं देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको रोल बैक कर दिया। कुल मिला के इन लोगों को अपने झगड़ों से फुर्सत ही नहीं मिली है, तो हाँ आगे जाके परफॉर्मेंस कैसे होगा, और सरकार नाम की चीज़ अभी ढूंढे तो नहीं मिले, इलाके के अंदर जाओ ये हम लोग को सुनने को मिलता है। तो अब मेरा मानना है कि जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है, 4 साल आपके बीत गए, अगर उन 4 साल के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती जिसकी वजह से हम कह सकते थे कि ये बहुत अच्छी तरह से जनता के फेवर में गया है हमारी स्कीम, तो फिर आप ही हेडलाइन देते और हम लोग भी उनको प्रेज ही करते, परंतु अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं हुआ है। दूसरी बात है, अभी ये यात्रा चल रही है, भारत को जोड़ने की यात्रा के नाम से चल रही है, परंतु हमारे हिसाब से वो वादा जो तोड़े हैं, स्पेशली इन राजस्थान, वादा तोड़ने वाली एक यात्रा निकली है। क्योंकि लोग तो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे कि जब राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए आप आए थे तो आपने बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ, 100 दिन हो गए इस यात्रा के, और वो जवाब तो देने चाहिए आपके। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा उसमें ज़रूर ये बात उठी होगी कि 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करने की बात जो थी, वो वादे का क्या हुआ, वादा हुआ ही नहीं पूरा, और वो वादा अच्छी तरह से टूटा है। वही राहुल है जिन्होंने ये कहा था कि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, और मैं ये कह रहा हूँ सबको कि किसी भी नेता या मंत्री जो जनता की बात को नहीं सुनेगा उसको तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा, ये भी आपको याद होगा। और जनता को तो छोड़ो, मंत्रियों और विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, वो भी इरिटेट हो रहे हैं, वो भी बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो भी बार बार बात करते रहते हैं, ये भी है आपने देखा, ये भी होगा। तो ये किस तरीके से राजस्थान से निकल रहे हैं, अपने मन में ही तो ये सोच के निकले होंगे कि हमने यहाँ ये सब वादे किए हैं, लोग मेरे से कहीं ना कहीं तो पूछेंगे ही कि ये वादों को आपने पूरा अभी तक नहीं किया है। तो विकास की गति जो है, ये तो हमें अफसोस है कि राजस्थान के अंदर टूटी है, और ऐसी परिस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकल रही है। मैं समझती हूँ कि उनको अपनी पार्टी को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए बिफोर टॉकिंग अबाउट भारत। सो आज के दिन मैंने कहा था कि ये ज़रूरी है कि मैं आपसे एक दफ़ा मिलूँ, और ये भावना जो जनरली है सबकी है वो आपके सामने रखूँ। थैंक यू, थैंक यू।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।